अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या चाल है आप लोगों के? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और ईद बस गुजारने वाले हैं आप लोग। ईद आने वाली है, अभी ये व्लॉग आप लोग देख रहे होंगे तो ईद से कोई एक दो दिन पहले का व्लॉग देख रहे होंगे। हम लोगों ने मंडे जा चुके हैं, छक्का भी मार चुके हैं तकरीबन सैटरडे नाइट को। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना दुम्बा जो लेना था वो हमने ले लिया, अल्लाह का शुक्र है। और मैं चाहता तो उस वक्त भी व्लॉग बना सकता था, एक मसला तो ये था कि मैं उस वक्त का व्लॉग इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि मैं अपना जो मोबाइल है ये मैं भूल चुका था घर, और बस इसलिए व्लॉग भी रह गया। दूसरा, आप छोटे मोटे क्लिप्स देखेंगे, हम बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। आज तकरीबन मंडे है और अभी दोस्तों के साथ निकलना है मैंने मंडी। फ़िलहाल अभी जो गाड़ी है मैं अबू को देने जा रहा हूँ, फिर वापसी कोई इन ड्राइव वगैरह करते हैं। आज इन ड्राइवर खुद इन ड्राइव करने का मूड में है, वो भी बाइक, साड़ी कुल बाइक सूट करती है हर जगह, ठीक है वो करते हैं। और घर पहुँचते हैं ताकि बाइक उठाएं और फिर मैं, अता और मोमिन निकलेंगे मंडी के लिए। मोमिन ने लेने शायद कोई बैल मैल, देखते हैं मंडी के क्या सीन्स हैं, आप लोगों को भी बताते हैं। और मैं इस वक्त इंतहाई किसी रश में फंसा पड़ा, मैंने सोचा ब्लॉगिंग के लिए बहुत बेहतरीन रास्ते चंगी ब्लॉगिंग उसी। बाकी देख रहे हो पर्दी वर्दी लगा लिया, खर्चा कितना है खर्चा है यार। धूप असल में बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी डेढ़ साल से। ये बंदा तो बंदा बच्चा मार रहा है, देखो बाइक चढ़ा रहा था, क्या बात है। तू अबू गाड़ी पकड़ाते हैं, या बहुत रश है ना, वो इतने इंतज़ार में हैं दोस्तों के। बाकी हमारी आप हालत देख रहे हो, पूरे चरवाहे बने हुए हैं यार, दुम्बा एक मिनट को नहीं छोड़ता, और उसके साथ बैठे रहो तो खुश रहते हैं, सुकून से सोते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं, माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है, बड़ा सुकून है। कल रात को भी हम लेके गए थे तो कुछ ये सीन हुआ था। तो गाइस ये हमारे जॉनी भाई का जो है ना दुम्बा, तेज बारिश में दुम्बा बाहर ले आए हैं, लेकिन ये इस दुम्बे को ये बैल लेकर आया है। तो जी फाइनली अब्बा जी के बैंक पहुंच चुके हैं, फाइनली खैर से। और अब्बा जी को जरा कॉल करते हैं, क्या अब्बा जी आई है? और अच्छा ठीक है, सही है सही है। सो अबू ने कह दिया आप एक मिनट गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ, मतलब मैं उनके साथ जा रहा हूँ, मतलब मेरे दोस्त ख्वार हो गए। वेरी नाइस, कुछ कर तो उन्हें कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ इन ड्राइव पे, क्योंकि मोमिन उधर पागल हो जाएगा। खैर जब तक अबू आते हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को अपनी ज़रा दुम्बे की दास्तानें सुना दूं। मैं वो दास्तान कुछ ऐसी है कि माशाल्लाह हम निकले थे रिंग रोड की मंडी जो है उधर सर्च करने के, वहाँ दुम्बे वगैरह हैं एचबीके की, तो मैंने आपको दिखाई बहुत ही ठंडी और अजीब सी मंडी थी पिछले ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा। और जी रेट भी बड़े हाई थे, और फिर एक ने बताया कारखानों में चेक करो, तो कारखानों हम गए। हमने जाना था पलोसी या एक जगह, वहाँ भी एक मंडी लगती है पलोसी मंडी, और वहाँ सुबह सुबह जाना था संडे की सुबह। तो सैटरडे रात को मैंने कहा कि भाई कारखाना हमारे घर से करीब है, हम वहाँ से गुजरते हैं देख लेंगे। सो फिर हम खैर से कारखानों की मंडी गए, तो अबू ने कहा मैं थक गया हूँ तो आप लोग जाओ पसंद करो। हमने पसंद पसंद किया है तो ये जो है हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। हमने फिर बातचीत की, 55 कह रहा था खैर से, फिर उसे हम बस 40 तक उतार लें। सो बस अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल करें, रेट बहुत हाई चल रहे और बड़ी लड़ झगड़ के करना पड़ता है। उसके बाद अभी जो घर आए तो पहले दिन तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगाया उसने सेट होने में,
बस उसके बाद तो बस उसके साथ हम जी पैर से पैर मिलाते हैं थे, हाथ मिलाते हैं, न लाया उसे। अच्छा वो जिस मंडी से आया था, अल्लाह माफ़ करे, वहाँ कुछ खिलाया नहीं था हमने, इसी डिक्की में लाए थे ना, तो पत्ते वत्ते खा रहा था वो, कुछ डायरेक्ट खाना बस ना उसने शुरू किया। तो बस अल्लाह का शुक्र है अब तो माशाल्लाह ऐसे पप्पू लग रहे हैं, ऐसे पप्पू लग रहे हैं कि मज़ा आ गया माशाल्लाह। सो बस अल्लाह उसे बस कितने दिन गुजार लिए उसने, तीन रात, आज तीन रातें दो दिन हो जाएंगे उसे। तो बस अल्लाह का शुक्र है मौसम भी ज़रा अच्छा हो गया है काफ़ी। ये आपको बारिश वादे थोड़ी सी हम दिखाते हैं, कल रात बारिश भी हुई थी, तो बस अल्लाह उसे हिफाजत में रखे और सबको उनकी मर्ज़ी के रेट के कुर्बानी के लिए जानवर दिला दे, आमीन। तो जी हम अपनी गली में पहुंच चुके हैं, किस्मत हमारे साथ ऐसे खेल रही है जैसे महंगाई हमारी आवाम के साथ। ये गली है, ओ उधर जाके जी पेट्रोल ख़त्म हो गया था बाइक का, एंड रहे वाले दिस इज किस्मत। पहले सादे के पीछे जाते हैं, वीडियो ना बनाए, वीडियो तो बन गई, वीडियो ने ब्लॉग मत डालना भाई, घर वाले देखते हैं ब्लॉग में। यार इतना प्यारा लग रहा है कसम से, चुमिया लूं मैं। कसाई कसाई अभी से बुक कर लो। क्या रेट है आपका? बड़े जानवर छोटा ऐसे ही कर देते हैं, 20 मिलियन में कर देते हैं। बैल भाग गया तो मेरी वो नहीं है, अनाड़ी कसाई ना, मत बना ब्लॉग मत बना। देख हम जा रहे हैं मंडी जानवर लेने, ये मंडी का सेटअप है ताकि हमें जरा सस्ता जानवर मिले। वो पट्टी चपले से तूने कहा था लेकिन अगर लेने जाने तो पता कि त्रेत्री में जाके मैं उसके सामने रुकूंगा, पटे हुए चप्पल पहन के उतरूंगा और लंगड़ा लंगड़ा के चलूंगा। ये गुलबर्ग की मंडी है जी, सुना जी इसका धोबी नहीं आ रहा है किधर, हम साथ के इंतजार में। ओ यार मैंने ये पटा वटा लेना था। सलाम अलैकुम, तो हेलो जी क्या हाल चाल है आपको, सुबह हो गई है कोई 7:45 हो रहे हैं, ये हालात है कि इस वक्त हम सुबह उठते हैं मंडी लेने जाते हैं। कल मंडी से आए थे कुछ बातचीत नहीं बनी, आप लोगों ने रेट तो सुन लिए होंगे, 3, 5, 2.5, 2 इस तरह बड़े जाने। मासूम सी पार्किंग में हमारी गड्डी खड़ी होती है और माशाल्लाह से सारे लोग गाड़ी ले कर चले गए, यही खड़ी है असल में, इसकी जगह पे तो दुम्बा गाड़ा है। ओए होए होए इतनी ठंडी गाड़ी, अस्तगफिरुल्लाह, फिर बारिश हुई है, कुत्ता बिल्ली भी चढ़ा है इसमें, खैर। सो आज आपको फाइनली अपने दुम्बे उर्फ, उसका हमने नाम रखा है गुड्डू, गुड्डू से मिलवाते हैं घर जाके, वो ज़रा बिजी है नाश्ता करने में, सो जब खा रहा होता है तो उसके ऊपर कैमरा नहीं लेके जाना चाहिए, दिखाएंगे आपको, हौला रखो। आज मैंने सुबह निकलना था 5 बजे, अलार्म भी लगाए लेकिन बस रात को ही 2 बजे सोया था, सुबह खाक उठता।
सो व्यूअर्स, अभी ये सबसे बेहतरीन बात है, हमारे घर के करीब घास मिल जाती है, सो हम अभी घास लेके आते हैं। रात को मैं स्टॉक लाया था, लेकिन मुझे लगता है अभी नाश्ते में ख़त्म हो जाने, और वो मैं लाया था कि सुबह तो चलो हम वो कर लेंगे, लेकिन बस सुस्ती। कल इंशाल्लाह उसे फेस 7 ज़रूर दिखाना है। यार आज क्या है, मंगल, बुध, जुमेरात, परसों चला जाएगा हमसे, इतना जल्दी। चलो अल्लाह कबूल करे। यार बंदा बैठता था, मैं आपको निशानी बताता हूँ, निशानी है उसकी, ये देख रहे हो निशानी, ये निशानी वो छोड़ गया, और अब हमें जाना पड़ेगा। बंदा आएगा तो सही, लेकिन शायद लेट आएगा, तो हमें जाना पड़ेगा नीचे, और अब्बू को गाड़ी दे ही देते, नहीं जाता, गाड़ी पे नहीं जाते, हम जाएंगे बाइक। ये चेक करें नाजरीन, मोहल्ले चुड़ा आया, वेड़ा आया, वेड़ा आया, मोहल्ले चुड़ा आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो व्यूअर्स, हमने ये अपने गुड्डू जी के लिए, ये बड़े बड़े शौक से खाते हैं, तो ये अभी गिरने ही वाला था। वो जगह जो है जहाँ से मैं ले रहा हूँ ये, वो भी आपको दिखाऊँगा फ़िलहाल जब दोबारा आऊँ। अभी मैं इसको ज़रा बांध लूँ, मुझे पता था ये गिरेगा, वो मान ही नहीं रहा था। तो जी ऐसा टाइट किया है, ऐसा टाइट किया कि देखो पूरी बाइक गिर गई, बाइक का हिस्सा बन गया, इसे कहते हैं टाइट करना, जाती मेहनत जाती होती है। व्यू चेक करो माशाल्लाह, अमीर इलाका है ना, अब ये लेके चलते हैं। और हाँ, आप लोगों को अभी तक हमने गुड्डू से मिलवाया ही नहीं है, मिलवाते हैं और उसे फिर नहलाते हैं। तो इस वक्त व्यूअर्स मैं कोई बाइक नहीं चला रहा, इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये देखो मैं देखो बिल्कुल इस लेन के मिड में जा रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो हमने जगह कितनी, ये चेक करो, इसे कहते हैं मज़ा। अच्छा ये भी मुझे बड़ा मज़ा आता है खाना वाना लाना, आए 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 चार साथी है। और चेक करो यार कितने क्लियर आ रहे, फेस 7 का फिर व्यू तो मानते होने हैं भी, फिर सही जगह गा रहा है भाई का फिर है। अच्छा अभी तक करीबी घास वाले नहीं आए, तो वरना वहाँ आ जाते वो घर के पास, वो सामने पहाड़ जो। गुड्डू की आवाज़ सुनो, ये सुनो अभी, 1 2 3 चेक किया फिर है, इसे पता चल गया ना मैं आ गया। सब खाना पहले सामने रखता हूँ बेचारा। So viewers, meet my guru. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. भाईजान, भाईजान मुझे पता है आप बड़ा बिजी हैं, सवाल से पहले आप सबसे पहले तो आपका खाना मैं सारा साइड पर करूँ, सारा एक साथ नहीं, ये लो साइड पे। भाई सारा वो दे दो ना तो मसला कश्मीर हो जाता है। बाकी ये पानी जानी रखा हो, ये हमारा पक्का चल रहा है, पक्के पक्के लग्जरी लाइफ दी है। भाई साहब का नाश्ता वाश्ता हो चुका है, अब आराम सुकून से हो जी ये कर रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा आराम सुकून कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये अभी मेरे पास तकरीबन कहते हैं गोद में आया हो, मुझे ये मज़ा आता है ना, इसे मज़ा आता है, इसे मज़ा है ना मेरा कुकू, मेरा कुकू आया, मेरा कुकू मुझे आए भाई, भाई जरूर है ना, ऐसे नहीं जारियाँ करनी पड़ती है, समझे ऐसे नहीं हो जाता, निया निया करें, नहीं नाराज़गी हो गई है छोटू छोटा माशाल्लाह। ये भी हम इसको ना एक दफ़ा ना नहला चुके हैं तकरीबन, शायद संडे को, कब नहाए थे, संडे को नहाए थे ना, हाँ जी संडे को नहाया था ये, और उस वक्त हमने सर्फ से नहलाया था, आज हम इसको डव शैम्पू से नहलाएंगे, डव शैम्पू है ना जी, फिर आएंगे इसको मज़े आएंगे, मज़े है ना, मज़े आए, मज़ा आएगा, मज़ा
अच्छा ये अभी इस तरह बैठा हुआ है ना, कभी कभी ये ऐसे सोता है ना, ये वीडियो आपके सामने आ रही है, ये ऐसे सोते हैं घर वाले परेशान, समझ ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये माशाल्लाह ठंडी ज़मीन नीचे चिल करके सोता है। देखो पैर वैर फैला चुके हैं, बस अभी थोड़ी देर में लेटने वाले हैं ना, ये चक्कर माशा फुल फुल ना ऐसे करके लेटा हुआ है, जैसे हम करवट साइड की नहीं लेके लेटते, बिल्कुल वैसे लेटा हुआ है। और ये इसलिए लेटा क्योंकि मैं साथ हूँ, सुकून हूँ, मैं उठूँगा बै बै शुरू 100% मैं कह सकता हूँ, मैं इस जगह से गायब हो जाऊँ खड़ा हो जाएगा। फाइनल टाइम आ गया इसके नहलाने का, जैसे कि मैंने आज कहा था टफ शैम्पू से मैं नहलाऊंगा। ये ब्रश देख लो, ये कोई आम फर्श का ब्रश नहीं है, ये स्पेशल लाया था, ये ना समझना वो बस घर वाले से शुरू हो गई। सो व्यूअर्स, नहाने के बाद ये हमारा जो गुड्डू भैया है ये इतना चिटा चिटा मज़ेदार निकला है, और ये अभी रबी से फ़िलहाल प्यार हासिल कर रहा है, थोड़ा सा ना सैड लाइफ गुजार रहा है, आई डोंट नो व्हाई। पहले ना मैं दरवाज़े खोलता था, अब ये बाहर आता था, अभी ये देखो दरवाज़े खोलूँगा और आ भी नहीं होंगी, जैसे हमने बाहर नहीं जाने दिया घरेलू हो गया। यार सैटरडे नाइट को लिया था, एक दिन रह गया बस, परसों ईद आ रही है, फिर हम एक ही नमाज पढ़ने जाएंगे। ओके तो रात का टाइम हो चुका है, ये भाई साहब इधर ऐसे लेटे हुए समटाइम्स बड़े परेशान कर देते हैं यार, ये ऐसे बस आज ऐसे उदास है ना कसम, समझ नहीं आ रही। मैं भी चाह रहा हूँ ना कि हम दोनों होते हैं गायब, थोड़ा इसको उठाते हैं जगाते हैं, सही है ना, अभी थोड़ा जागे यार। अभी रबी ने उसका कोई चंपे वम्पे भी किए, लेकिन मेरा भी दिल चाह रहा है इसको ज़रा उठाते हैं, अभी सोने का टाइम नहीं है यार, कवर सो ही रहे ना, माता वाता तो गर्म नहीं है। हाँ सो रहे हैं, ऊपर पंखा भी चल रहा है, सुकून भी होगा, क्या कर रहे हैं यार, डर लगता है असल में, अल्लाह माफ़ करे, लास्ट टाइम हमारे साथ बहुत बड़ा मिसहैप हुआ था, बस अल्लाह इसको ठीक ठाक रखे, हम तो दुआएं वाएँ पढ़ रहे होते। बाकी आपके भाई ने किया पिज़्ज़ा ऑर्डर, भूख लग रही थी, और इधर है कोई ईट वेल, तीसरा एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, कहते हैं ना हम भी डीट हैं, दो चीज़ें उनसे मंगवाई है बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ठीक है, जैसे आम चीज़ होती है ना वैसे, आज हमने मंगवाया है जी उनका चिकन चीज़ पिज़्ज़ा, अब टिकटॉक पे अलग चीज़ वो दिखाते हैं, सामने कुछ और होता है। सॉरी भाई लोग, हमने कैप्चर नहीं किया, लगी है देखो वापस खड़ा हो गया यार, मैंने रवि से भी पूछा, डर लगा ला कहते हैं, अब देखो वापस पहुँच गया चंपी कराने, थोड़ी देर में वापस सो जाएगा, आईफोन का नज़र लग गई हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो बस मैंने कहा ना हम अंदर जाते हैं, हम ऐसे जा ही रहे थे, फौरन खड़ा हो गया।
तो व्यूअर्स, हाँ शायद धो लिया, ये मैं इसलिए पहले ही कह रहा हूँ क्योंकि हमारा पिज़्ज़ा आ चुके हैं ये, और उसको हमने उसका पिज़्ज़ा दे दिया ताकि कोई ये ना कहने अभी उसको हाथ लगा रहे थे, अभी उसे से खाना खा रहे हैं। मुझे पता है बड़े ऐसे कूड़े मार लोग मुझे देखने वाले हैं, तो अभी पिज़्ज़े की अनबॉक्सिंग करते हैं। खोलना अभी, अच्छा ये मैंने अभी इनसे पूछा ये ईद के दिन भी आ रहे हैं, मैंने कहा बस बहुत कमाल हो गया यार, एक दिन तो छुट्टी करवाओ। वाह वाह यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है सफर, ये ओ गुड नाइस चीज़ी अच्छा मजे का सेट है। सो ये सीन है, सुबह इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे। वो आई डोंट नो कितना वो हमारा व्लॉग बड़ा हो गया, लेकिन इस बार ज़रा बड़ा व्लॉग देख लो यार, कुछ नहीं जाता। मैंने कैमरा खोला है, आप मार सकते हैं, लाइव शॉट पड़ेगी। मैंने से कभी अपने लिए चाय नहीं बनाई जितने। अच्छा आज तक हम अपने दुम्बे की खिदमत कर रहे थे, आज हम आए यार वाले जिस तरह ये मूवमेंट कर रहे हैं ना, वो भी मुंह बचा पता चले कल तेरे तिक्के खा रहे हो। तूने तो गरीब को भूखा रखा है। उठा 500 रुपए देते अभी उठा ले तो बाल्टी। ये है ना यार, जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज पाकिस्तान के आज वाला दिन है, मतलब कल ईद है, और आज सुबह हम फाइनली, मैं बड़े अरसे से सोच रहा था सुबह इसे निकालेंगे वहाँ लेके जाएंगे दूर तक, लेकिन पता है क्या, जैसे वह हम आधी गली तक पहुँचे हैं ना, ये हालात चेक करो, बारिश होने शुरू, बस फिर हम खुद को रोक लिया क्योंकि अगर बारिश वगैरह हो गई, ये तो गली नज़दीक है लेकिन फिर मुश्किल हो जाएगा दूर से लाना। सो अभी इसको हमने यहीं लगाया हुआ है। सो जी हम इसको घर वापस ले आए हैं, और बारिश का सीन भी था, दूसरी बात है अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, आपको मैं बाहर की मना दिखा दूँ, ये वाले हालात हैं बाहर, ठीक है। तो बस हम इसे ज़्यादा दूर नहीं लेके गए, एक तो बात ये है ना कि लोग नज़र लगाने वाले बड़े हैं, तो हर कोई पूछेगा जी कितने गली है, कितने गली है, फिर अगर हम कहें जी 40 गली है तो हैरान हो रहे होते हैं। असल में माशाल्लाह यू नो ये है ना फेज 7, ये मोहल्ले वाले का सीनियर बंदा है, सबसे पहले इधर जब कुछ भी नहीं था ना, कुत्ते बिले भी नहीं थे, ये आया हुआ था, तो अब जो है लोग हैरान होते हैं, कोई कहते हैं अच्छा, एक तो आंटी थी उन्होंने पूछा कितने, मैंने कहा 40, कहते सिर्फ 40 या एक लाख 40, मैंने कहा 40, वो हैरान परेशान। फिर एक रबी खड़ा था, बच्चा 70 का रेट दे गया, ऐसा लग रहा था मैं मंडी में ले गया खड़ा हूँ बेचने के लिए, इसलिए बस मैंने कहा अंदर चलो। सो इसके बाद की रूटीन जो है थोड़ी सी वो होने वाली है, सख्त होने वाली है, हम आपको बाद में बताएंगे। व्लॉग हो रहा है बड़ा, तो इस व्लॉग को सुबह ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग इसके बाद शुरू करेंगे विद न्यू क्लॉथ्स, आप लोग भी देख देख के थक गए होंगे, ठीक है ना। तो बस इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आजकल जो बिल्लियाँ हैं ऐसे ख्वार फार फिर रही हैं। पीस आउट।